लड़कों का आज भी एक मिसकंसेप्शन है कि हाइमन एक सील है और इसको तोड़ते हुए वो बड़ा प्राउड फील करते हैं और इसी चीज़ से फीमेल वर्जिनिटी मेंटेन रहती है। और इसके साथ साथ ये भी एक सोच है कि अगर सील टूटेगी तो ब्लड ज़रूर बाहर आएगा। और इस गलत फहमी को लेके लोग ये सोचते हैं कि फीमेल जब भी फर्स्ट टाइम इंटीमेसी में इन्वॉल्व होगी तो उसका खून ज़रूर बाहर आएगा क्योंकि उसकी झिल्ली जो है वो टूटती है। बट माई डियर ऑल, हाइमन कोई सॉलिड वॉल नहीं है, कोई दीवार नहीं है जो टूट जाए। बायोलॉजिकली ये जो हाइमन है वो एक इलास्टिक कवर है जो वजाइनल वॉल को कवर करती है। यस, वो वजाइनल वॉल को कवर तो करती है बट वो सील नहीं होती। अब एक बात सोचो, अगर वो सील होती तो फिर पीरियड ब्लड कहाँ से बाहर आता? कभी आता ही नहीं। और इस केस में बहुत से फीमेल्स का ऐसा होता है कि उसकी हाइमन जो होती है पूरी की पूरी सील होती है और ऐसे केस में डॉक्टर्स को सर्जिकल तरीके से उस सील को तोड़नी पड़ती है ताकि पीरियड ब्लड जो है वो बाहर आ सके। ये एक मेडिकल टर्म है। कुछ फीमेल तो विदाउट हाइमन पैदा होते हैं। हाइमन के भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ केस में ये पार्शियली होती है और कुछ केस में ऐसा होता है ड्यूरिंग इंटीमेसी वो हाइमन जो होती है वो सचमुच टूटती है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि आफ्टर इंटीमेसी भी वो हाइमन टूटती नहीं क्योंकि वो एक इलास्टिक ऑर्गन है और हो सकता है वो टूटी ही ना हो। और हाइमन हर एक फीमेल के लिए एक ही स्ट्रक्चर में नहीं होती। अलग अलग फीमेल की बॉडी में जो हाइमन का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग हो सकता है। और इस हाइमन टेस्ट के चक्कर में बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है जो वायलेंस का शिकार होती है। बट मेरा सवाल ये है कि फीमेल वर्जिनिटी को लेके हमारा समाज इतना बॉदर क्यों है? कोई मेल मुझे आके कमेंट करता है कि ऐसे फीमेल को लात मार के घर से निकाल देनी चाहिए जो वर्जिन नहीं है, या ऐसे फीमेल के साथ कभी घर बसाना नहीं चाहिए, डाइवोर्स दे देनी चाहिए जो कि वर्जिन नहीं है, या फिर मैं वर्जिन हूँ तो मुझे भी एक फीमेल वर्जिन लड़की ही चाहिए। अच्छी बात है, बट इसका टेस्ट आप कैसे करोगे? उस हाइमन से जिसकी खुद की ही कंसेप्शन बड़ी अजीब तरीके की है, किसी के बॉडी में है ही नहीं, किसी की बॉडी में है तो पार्शियल है, किसी की बॉडी में है तो वो इलास्टिक ऑर्गन है तो उसके स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो आप समझोगे कैसे कि उस फीमेल जो है वो वर्जिन है? क्योंकि आजकल की मॉडर्न लड़कियां किसी के साथ भले ही इंटीमेसी में इन्वॉल्व ना हो बट वो हैंड प्रैक्टिस ज़रूर करती है, खुद सेल्फ स्टिमुलेट करती है, टाउन्स की लड़कियां टॉयस का इस्तेमाल करती है, तो फिर आप समझोगे कैसे कि वो फीमेल पार्टनर जो है वो वर्जिन है कि नहीं है? और फीमेल वर्जिनिटी कोई अवार्ड थोड़ी है कि इतने सालों के मेहनत के बाद, सक्सेसफुल बनने के बाद, लाखों रुपए कमाने के बाद आप उसको अचीव कर सको? है ये कोई इतनी बड़ी अवार्ड? जिनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो लड़कियां ना तो कभी टॉयस का इस्तेमाल की है ना ही कभी सेल्फ स्टिमुलेट किया है, उनके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो सकता है, मर्दों को कुछ स्पेशल फील हो सकता है। बट जो फीमेल सेल्फ स्टिमुलेट करती है, जिन्हें प्लेजर का पता होता है ना, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और जब वो किसी मर्द के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो जाती है, वजाइनल वॉल इलास्टिक है, वो स्ट्रेच हो जाता है, उनको इंटीमेसी में इन्वॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हो सकता है जिस टाइटनेस की, जिस सील की, या फिर जिस चीज़ की लड़के एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो फिल्मों में, मैगजीन्स में, इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बताते हैं, वो अचीव ना कर सके। अगर फीमेल वर्जिनिटी एक अवार्ड ही है तो फिर ये सबके लिए तो है नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे हैं जो छोटे से उम्र से ही बहुत से जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो पेड सर्विस लेते हैं, नॉर्मली शादी से पहले ही फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, बहुत से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये वर्जिनिटी नाम का जो टैबू है ना, वो सब लड़के डिजर्व करते हैं, ये सब लड़के सोचते हैं। रिलीफ की लिबिडो हमेशा कम रहती है, आप हमेशा थकी थकी से महसूस करते हो, हमेशा आपको एक सुस्ती सी रहती है, आपका कोई भी काम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलता, संबंध बनाने में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, रोज की भाग दौड़ की जिंदगी में भी आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की बहुत कमी है। इसको बढ़ाने के लिए आप मेंश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो नेचुरल तरीके से तेजी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में काफी मदद करता है, जैसे कि इसमें
गोखरू बड़ा, ताल मखाना, सफ़ेद मुसली, बनिया कहू, जीवंती, अश्वगंधा, कंच बीज एंड उत्तंगन बीज जैसे खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमेशा से ही प्रूवन है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे और आप नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहते हो, आप नेचुरल तरीके से अपने स्टैमिना को, अपनी लिबिडो को इंक्रीज करना चाहते हो, हमेशा ये तो थके थके से आप रहते हो, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप मैनश्योर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल करके देख सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाली गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं वीडियो। इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशन, ये जो वर्ड्स है ना, ये भगवान ने जो कॉन्सेप्ट बनाई है सिर्फ दो रीज़न से बनाई है, कि इंसान खुद को प्लेजर दे सके और दूसरी बात कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। अब रिप्रोडक्शन तो शादी के बाद ही पॉसिबल है, पर शादी से पहले सेल्फ प्लेजर के लिए कुछ लोग डायरेक्टली इंटीमेसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टिमुलेट करते हैं। अगर सचमुच लाइफ पार्टनर अच्छी हो ना, तो वर्जिनिटी से बाहर इंसान की कैरेक्टर, इंसान की सोच, उसकी कंसेप्शन लाइफ को लेके, तुम्हारे साथ उसका कितना मैचअप हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो, बजाय इसके कि ये जो वर्जिनिटी आपका अवार्ड है वो तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि इसके पीछे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि जो फीमेल अच्छी कैरेक्टर की होती है वो ज़्यादातर ऐसे ही मर्दों के साथ संबंध में नहीं आ जाती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस फीमेल का खून नहीं निकला तो वो किसी मर्द के साथ संबंध बनाई है, या फिर वो फ्लेक्सिबल है तो फिर वो किसी मर्द के साथ संबंध बनाई है, या फिर अगर कोई फीमेल सेल्फ स्टिमुलेट करती है यानी कि वो खुद को सेटिस्फेक्शन देती है बिफोर मैरिज, तब वो अच्छी कैरेक्टर की लड़की नहीं है। क्योंकि भाई ज़माना बदल गया है, सोच भी बदलनी चाहिए।